टू द क्लास आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का चैप्टर है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में इतने सारे देखे थे माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पावर पॉइंट के बारे में क्या सब था वो वी हैव सीन अबाउट यस वी हैव सीन अबाउट क्रिएटिंग एनिमेशंस और उसके बाद क्या साथ, क्या सब देखे थे हम लोगों ने हाउ टू यूज टेम्पलेट कैसे टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं कैसे थीम्स को यूज कर सकते हैं वो सब कुछ हम लोगों ने देखा था है क्या नहीं yes. so, आज जो देखने वाले एक तो स्टेप एडवांस लेवल है ये जो है दिस हेल्पस यू इन क्रिएटिंग मास्टर्स ये जो मास्टर्स क्या होता है जैसे हम लोगों ने बोला था वी हैव टेम्पलेट बींग क्रिएटेड जो टेम्पलेट क्या करता है इट विल नॉट अलव एनी बडी एल्स टू एडिटेड आप जो फॉन्ट यूज करते हो जो बैकग्राउंड कलर यूज करते हो वो सब वैसे के वैसे ही यूज करके यू कैन है स्लाइड मास्टर्स क्रिएट करने से क्या होता है इट इज गोइंग टू अप्लाई टू ऑल द स्लाइड विच अवर स्लाइड यू नो क्रिएट समझ में आया आपको ये जो होता है दिस बिकम्स लाइक अ रूल एक रूल या एक फॉर्मैट बन जाता है और ये फॉर्मैट को जब आप क्रिएट करते हैं दिस कैन बी अप्लाइड टू एवरी सिंगल स्लाइड ऑफ द पावर पॉइंट समझ में आया आयो जब आप करते हो तब यू कैन एक्चुअली गेट इट मोर क्लियर क्योंकि ये जो मास्टर्स होता है दे हैव स्पेसिफिक रूल्स फॉर टाइटल और उसके बाद कंटेंट के लिए टेबल के लिए हर एक फॉर्मेटिंग के लिए दे है स्पेसिफिक रूल्स ओके सो आज देखने वाले हैं हाउ आर वी गोइंग टू एड मास्टर्स सो मास्टर्स को कैसे फर्स्ट क्रिएट करते हैं और उसके बाद मास्टर्स को कैसे एड करते हैं वो तो हम आज देखने वाले सो so, चलो सेशन के अंदर लेट स्टार्ट डूइंग इट सो हियर वी हैव हमारा जो प्रेजेंटेशन स्लाइड है दैट इज रेडी फॉर अस ओके सो ये मास्टर्स किसके लिए हम यूज करते हैं सोचो कि वेन यू वॉन्ट ऑल योर स्लाइड टू हैव द सेम फॉन्ट सेम फॉन्ट सेम फॉन्ट स्टाइल ओके फॉन्ट कलर और सोचो कि हर एक स्लाइड में आपको जो एक ही इमेज आना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल लाइक द लोगो है ना हमारा जो लोगो है इफ वी वॉन्ट एवरी सिंगल स्लाइड टू हैव इट सो क्या कर सकते हैं ये मास्टर स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं और राइट सो ये मास्टर स्लाइड को क्रिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू क्रिएटिंग अ बैकग्राउंड कलर या फिर uh, क्या कर सकते हैं यू कैन ऑल्सो क्रिएट फॉन्ट कलर फॉन्ट साइज ये सब क्रिएट करके वो मास्टर स्लाइड को सभी स्लाइड्स के साथ अजाइन कर सकते हैं सो हाउ डू यू स्टार्ट दिस जो व्यू होता है है ना व्यू टैब ये व्यू टैब के अंदर जो स्लाइड मास्टर होता है वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द स्लाइड मास्टर दूसरे सो वॉट आर वी गोइंग टू डू हमें तो पता है स्लाइड मास्टर इज नथिंग बट ये मास्टर स्लाइड है जिससे हम अप्लाई करने वाले हैं ओके okay? सो so यहां पे क्या कर सकते हो यू कैन हैव अ डिफरेंट फॉन्ट कौन सा फॉन्ट चाहिए आपको यू कैन सिलेक्ट द फॉन्ट फ्रॉम हियर और जो कुछ फॉन्ट आपको चाहिए वो हम एडिट कर सकते हैं ओके okay? और सब टाइटल का फॉन्ट भी हम चेंज कर सकते हैं सोचो इट इज गोइंग टू बी कैलिबरी और ये जो चाहिए था मुझे तो ये फॉन्ट एरियल ब्लैक चाहिए था एरियल ब्लैक था ना एरियल न्यू रोमन या फिर हाँ एरियल ब्लैक ओके सो वंस यू डू दिस देखो सभी टाइटल्स में एरियल ब्लैक आ जाएगा समझ में आया आपको सो दिस इज हाउ ऑल द टाइटल्स विल कम सो अभी मुझे बैकग्राउंड में इंक्लूड करना है तो मैं बैकग्राउंड स्लाइड्स क्लिक करने के बाद फॉर्मेट कर सकती हूँ फॉर्मेट का मतलब है जो कलर मुझे चाहिए उसे मैं यूज कर सकती हूँ अभी सॉलिड नहीं चाहिए ग्रेडियंट चाहिए तो आई कैन फिल ग्रेडियंट ग्रेडियंट का मतलब है लाइट कलर एंड डार्क कलर अभी ब्लू सेलेक्ट करेंगे तो लाइट ब्लू से डार्क ब्लू ब्लैक और व्हाइट मिक्स करने के बाद जो कलर हमें मिलता है वो कलर पिक्चर और टेक्सचर ये टेक्सचर क्या होता है टेक्सचर इज नथिंग बट ये वाला आपको दिख रहा है जैसे कि ये एक ओल्ड पेपर के जैसा है है ना सो इट गिव्स यू अर टेक्सचर ऑल्सो और राइट और पैटर्न फिल आपको जो पैटर्न मन पसंद है आप आपको जो पैटर्न मन पसंद है आप यहां से सिलेक्ट करके यूज कर सकते हैं ओके सो सॉलिड फिल चाहिए तो कंप्लीटली एक कलर को डाल सकते हैं और right? या फिर ग्रेडियंट चाहिए तो ऐसे वाले ग्रेडियंट लाइक यू कैन चूज कैसे आपको व्हाइट चाहिए कैसे कितना ब्लू चाहिए आपको ऑल दिस कैन बी यूज समझ में आया आपको सो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ बैकग्राउंड फॉर द मास्टर और ये बैकग्राउंड क्रिएट करने के बाद आप कलर्स जो सिलेक्ट करने चाहते हैं वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो सोचो so कि ग्रीन सिलेक्ट कर रहे हो ओके okay? अभी तो वी हैव थ्री डिफरेंट कलर्स क्या सब है ग्रीन है ब्लू है और वाइट भी है सो so, ऐसे वाला भी क्रिएट कर सकते हो वेर यू कैन क्रिएट योर ओन स्टैंडर्ड और आपके खुद का फॉर्मेट फॉर अ ओके? सो अभी सोचो कि मुझे इसका कलर बदलना है ओके okay? सो so, कलर क्या कर सकते हैं वी कैन गो एंड ट्राई इंसर्टिंग अ कलर इसका कलर तो ग्रीन रहने से ब्लू रहने से अच्छा लगेगा ना सो देखो एवरी सिंगल स्लाइड विल हैव द सेम थिंग समझ में आया आपको सो दिस इज हाउ मास्टर स्टाइल इज गोइंग टू बी एडिटेड मास्टर स्लाइड क्या कहते हैं वी कैन यूज दिस एंड सेव इट ओके समझ में आया आपको सो नाउ वॉट आर वी गोइंग टू डू इन सर्ट लेआउट ले आउट जो है इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट अ न्यू ले आउट फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो कॉलम्स के रिकॉर्ड ही होते हैं दो कॉलम्स के डेटा ही हैं सो so, आप नया वाला एक लेआउट को भी क्रिएट कर सकते हैं समझ में आया आपको सो दिस इज हाउ यू विल यूज दिस ओके प्लेस होल्डर का मतलब क्या है इंसर्ट प्लेस होल्डर यू कैन क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स कहां पे भी चाहिए जहां पे आप टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट कर सकते हो सो इंसर्ट स्लाइड मास्टर कहने से आपको दूसरा स्लाइड मास्टर क्रिएट हो जाएगा समझ में आया आपको

सो so, ये क्या करता है वी कैन गो एंड एंड सी होम ओके अभी जो है यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग स्लाइड्स इन दिस यहां पे एडिट करके देखो सोचो कि वी आर टाइपिंग रोस. आपको सिर्फ यही करना पड़ेगा दिस इज अ फ्लावर सो जो कुछ आप लोगों ने अभी तक फॉर्मेट किया है इस फॉर्मेट के साथ आप टाइप कर सकते हो समझ में आया आपको सो इफ आईनो टाइप रोज हियर देखो ऑटोमेटिकली वो फॉन्ट इंक्लूड हो गया है, है या नहीं यस yes. सो so ऐसे ही आप क्या कर सकते हो फॉर्मेट कर सकते हो आपके खुद के मास्टर स्लाइड्स को ओके okay? यहां पे जो देखते हो फूटर डेट है ना यूजुअली क्या करते हैं लोग डेट तो रहता है फूटर में और ये जो फुटर होता है जग, सोचो कि वी आर गोइंग टू बी इन अ कंपनी हम जो जा रहे हैं बोलने के लिए प्रेजेंट करने के लिए वी आर रिप्रेजेंटिंग अ कंपनी हम एक कंपनी से जा रहे हैं ना सो so, एक कंपनी को रिप्रेजेंट करने वक्त आपके पीपीटी में वो कंपनी का नाम लिखने से भी इट बिकम्स मोर प्रोफेशनल सोचो कि आपके क्लास में आप इसे करने वाले हो तो so, क्या कर सकते हो आपके नाम यहाँ पे लिख सकते हो और आपके क्लास यहाँ पे लिख सकते हो ऑलराइट अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप डिलीट भी कर सकते हो सो ऑटोमेटिकली सभी स्लाइड से वो डिलीट हो चुका होगा और राइट और ये जो है वी कैन ड्रैग इट एंड प्लेस इट ऑल्सो अभी देखो एक एक मास्टर में सभी मास्टर में आपको दिखेगा फ्रॉम टाइटल स्लाइड यू आउट और जो मास्टर स्लाइड में नहीं चाहिए तो वहां से भी आपको हटाना पड़ेगा समझ में आया आपको यस सो दिस गिव्स यू एंड ईज ऑफ एक्सेसिंग एवरी एवरी सिंगल ऑप्शन एवरी सिंगल ऑब्जेक्ट इन साइड अ पॉवर पॉइंट स्लाइड सो ये करने से क्या होगा यू कैन अप्लाई दिस मास्टर स्लाइड अप्लाई करने के बाद ये यहां से ही वी कैन स्टार्ट क्रिएटिंग आर ओन पीपीटीज सो पीपीटीज क्रिएट करने के करने के लिए हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा ये जो है जस्ट क्लिक एंड ड्रैग और टाइप करना शुरू कर दो टाइप इट हियर सो so, वही फॉन्ट वही बैकग्राउंड टिल द लास्ट विल बी यूस्ड समझ में आया आपको दिस इज हाउ वी क्रिएट अ मास्टर स्लाइड दिस इज हाउ वी क्रिएट अ मास्टर स्लाइड अभी ये नहीं चाहिए हमें तो वी कैन ऑल्सो डिलीट द मास्टर समझ में आया सो यू कैन डिलीट द मास्टर स्लाइड अभी वापस चाहिए तो कंट्रोल जी कर लेते हैं ऑलराइट सो राइट नाउ यू कैन सी इंसर्टिंग ऑप्शन सब कुछ राइट में ही आ रहा है है या नहीं यू कैन ऑलवेज हैव है अभी आपको सिर्फ ये यहां पे टैब में जाके करना करने की कोई जरूरत ही नहीं है राइट क्लिक करने से आपका जो एक्स्ट्रा ऑप्शन होता है वो सब कुछ आ जाएगा समझ में आया सो यू कैन रीनेम योर मास्टर प्रिजर्व योर मास्टर ओके सो प्रिजर्व का मतलब है सेव करना सो यू कैन डू इवन दैट डुप्लीकेट चाहिए तो डुप्लीकेट भी कर सकते हो ऑलराइट और नया वाला लेआउट क्रिएट करना है तो वो भी आप कर सकते हो सो दिस इज हाउ इज क्रिएटेड और वेन अ मास्टर स्लाइड इज क्रिएटेड यहाँ पे तो दिस इज मोर इजी टू प्रेजेंटेशन वाई बिकॉज अगर एक स्लाइड में आप ऑप्शन को फॉन्ट को बैकग्राउंड को चेंज कर रहे हो दैट गेट्स अप्लाइड एवरीवेयर एवरीवेयर मैंने सभी स्लाइड्स में समझ में आया आपको दिस इज वॉट वी हैव लर्न टूडे हमने आज पढ़ा कि कैसे हम मास्टर स्लाइड्स को क्रिएट करेंगे कैसे उसमें जाके फॉर्मेट करेंगे बैकग्राउंड फॉन्ट फॉन्ट स्टाइल और जब कभी इंसर्ट लेआउट लेआउट नया वाला लेआउट क्रिएट करना है वो भी आप कर सकते हो और सो प्लीज प्रैक्टिस दिस एट योर होम क्रिएट अ मास्टर स्लाइड सी हाउ इट इज इजियर टू डू अ प्रेजेंटेशन यूजिंग मास्टर स्लाइड अगर आपको कुछ डाउट्स है तो प्लीज क्लिक ऑन द एनी डाउट बटन देअ I'll come and clarify the doubt through the app. Alright? So, meet you in the next session. Uh, bye bye until then.